अपने हीरे जैसे बेटे का निकाह आपकी बेटी से करवाया, आपके मेहमानों के सामने आपकी इज्जत रखी, लेकिन आप दोनों ने मेरे बेटे को मुंह दिखाई के नाम पे जो छोटी सी गाड़ी दी है ना, इस बेइज्जती को हम नहीं भूल सकते। लिहाजा रुखसती तो आप मेरे बेटे के शायान शान बड़ी और चमचमाती गाड़ी में ही होगी। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा जुल्म ना करें, कोमल की रुखसती का दिन आज ही तय हुआ था, ये इस तरह कैसे कह सकती हैं ये? इशरत बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? सब कुछ तो आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ है और हमने तो किसी भी चीज की कसर नहीं छोड़ी है। इन लोगों का निकाह हुआ है, मजहर बेटा तुम ही समझाओ अपनी वालदा को। मजहर को क्या समझ इन बातों की, आप खुद सोचिए। और हम जब ये साबुनदानी जैसी गाड़ी में दुल्हन को लेके घर पहुंचेंगे तो हमारे मेहमान क्या सोचेंगे कि इशरत बेगम ने अपने हीरे जैसे बेटे की शादी किन लोगों में कर दी? देखिए भाई साहब, आइए मेरी बात सुनिए। मदर, देखिए अब इस वक्त सारा मामला आपके हाथ में, जितनी जल्दी आप गाड़ी का बंदोबस्त कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी बेटी रुखसत होकर हमारे घर आ जाएगी। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह। चलो बेटा मजहर।